नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग ऑयल गैल्वानोमीटर इज फाइव डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इज ट्वेंटी डिवीजन पर वोल्ट सवाल है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर ऑप्शन हैं फोर्टी ओम ट्वेंटी फाइव ओम टू फिफ्टी ओम या फिर फाइव हंड्रेड ओम ना सिंपल सवाल है uh, अपने को ये बात पता है अगर uh, गेलवानोमीटर के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अपने को ये बात पता है कि करंट सेंसिटिविटी की जब हम बात करते हैं आई एस का उसको हम लिखते हैं आपका एन बी ए डिवाइडेड बाय सी ये आपका करंट सेंसिटिविटी आती है सिमिलरली जो आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो उस वोल्टेज को हम लिखते हैं एन बी ए डिवाइडेड बाई सी आर आपका वोल्टेज uh, सेंसिटिविटी आती है अगर अगर हम गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आर जो आएगा वो एक्चुअली दोनों को डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी सो आर विल बी इक्वल टू आई एस डिवाइडेड बाई वी एस और ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं वो डेटा डाल के आंसर आ जाएगा वो आपने को करंट uh, की सेंसिटिविटी दी हुई है फाइव डिवीजन पर मिली एमपियर आपने uh, को जो डेटा दे रखा uh, है ये फाइव डिवीजन आई है फाइव डिवीजन पर मिली वोल्ट सो so, ये हो जाएगा फाइव डिवाइडेड बाई टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय वी जो अपने को दे रखा है वी अपने को दिया हुआ है 20 डिवीजन पर वोल्ट सो ये 20 हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया 5000 थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सो विच एम्प्लाईज आर की जो अपनी वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 250 फिफ्टी होम सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी 250 फिफ्टी ओम वुड बी द राइट आंसर